तो मुंबई के एनर्जेटिक और फेमस प्लेस के संडे मॉर्निंग को देखने आज हम जा रहे हैं मरीन लाइंस, लेकिन यहाँ तो हमें कोई भी दिखाई नहीं देता सिवाय कपल्स के। अब पहले तो हम यहाँ से बस पकड़ के अंधेरी पहुँच जाते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ के हम आ जाते हैं मरीन लाइन। फिर कुछ मिनटों की वॉकिंग डिस्टेंस करके हमें दूर से ही ये लहराती हुई समुंदर दिख जाती है। अब वहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा और चलना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं, हम उस प्लेस पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हर संडे मॉर्निंग को एक अलग ही तरीके से मनाया जाता है। पहले तो हमें ये मुंबई इंडियंस का फ्लैग दिखाई देता है, लेकिन जैसा मैंने सुना था वैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना ग्रुप डांस, ना सिंगिंग, ना वो लोग। अब इन पत्थरों पर बैठकर इसके गाने सुनने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। खैर अपना मैं यहाँ पर तब आया था जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था और ऐसे नीचे जाकर पानी के साथ थोड़ी मस्ती करके वापस ऊपर आ जाता था, लेकिन पानी अब काफी हद तक बढ़ चुका है, इसलिए रहने दो भाई। अब यहाँ पर ना खास मजा नहीं आ रहा था, इसलिए इस जगह को बड़े ही प्यार से बाय बाय बोल के हम यहाँ से चले जाते। फिर मरीन से CST पहुंचने पर हमारी मुलाकात होती है TC से, जो आपको अगले मिनी ब्लॉग में देखने मिलेगा।